तंत्र की कहानियाँ। तंत्र में अक्सर लोग बहुत बतियाते हैं, बातें करते हैं, कहानी रचते हैं और लोग उसको सुनते हैं। मैंने आज तक कभी कहानी नहीं सुना ही, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे कहानी रच के मैं पहली बार सुना रहा हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना और कुछ समझ में आए तो समझ लेना। ये बहुत राज की बात है। राजस्थानी चुड़ैल के साथ सुहाग रात, ये नाम से ही गुदगुदी होने लगती है और अक्सर कहानी ऐसे ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था, 26-27 साल का हुआ होगा, वैसे वो पढ़ाकू लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी, ब्याह था, लग्न करके आ गई थी। प्रथम रात तो सामान्य गुजरी और उसने देखा कि उसकी ब्याहता के मुंह से इलायच की सुगंध आ रही थी। वो खुश हुआ और फिर दूसरी और तीसरी रात हुई और हम बिस्तर होने का समय आ रहा हो गए और दोनों सो रहे थे, तो ब्याहता ने जो उनका बिस्तर था वो बारी के नज़दीक था, जो रूम होता है उसकी बारी के नज़दीक था। उसने नींद में से ही उसको बोला, अपने पति को, कि बात कर ले, देख वहाँ। और बारी में उस पुरुष ने देखा तो चांदनी की रोशनी दिख रही थी और एक सुंदर सी स्त्री मुस्कुराती हुई उसी को देख रही थी। वो मनुष्य के रूप में थी और इतना अधिक सुंदर थी कि जैसे सोना हो। उसके गले में हार था, कान में झुमके और बाएं हाथ में छोटा सा सफ़ेद कलर का बच्चा था। और उसने उस पुरुष की ओर देख के बोला, पत्नी बनना है, उसके जैसे रहना है। पुरुष ने कभी उस औरत के साथ सिवा, जो अपनी ब्याहता थी, पहले हम बिस्तर नहीं हुआ था, उसको कुछ आता जाता नहीं था। और ये सुंदरी आ गई आत्म की, अब उसको कुछ समझ में नहीं आया और ये सब क्या हो रहा है। उसका कभी भी वास्ता तंत्र से नहीं रहा था और ना ही उसने सोचा था, देखा था या ऐसी कोई चाहत थी। उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, छोटा बच्चा देख के वो थोड़ा ये क्या है, और उसमें भी इतर योनि की स्त्री पत्नी बनना चाहती थी। उसको लगा कि ये मर जाएगी और वो पत्नी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आया। और वो जो सुंदरी थी वो चली गई। ये घटना वहाँ ख़त्म हुई। सालों तक उसने कभी नहीं बताया। हाँ, मुझे तो बताया भैया। थोड़े समय बाद उस पुरुष ने किसी जानकार आदमी से पूछा कि, और बात ऐसे निकली थी कि वो पुरुष गिरनार गया था, जंगल में गया था और लोगों को, साधुओं को उसने पत्थर पे चांदनी रात में किसी स्त्री की आकृति बना के पूजा करते देखा था, या उसको ऐसा बताया गया था। तो उसने उस जानकार को बोला कि ये क्या है। तो उस जानकार ने बोला, ये औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, अगर तुम्हें फिर से मिल जाए तो उससे तीन वचन लेने चाहिए। एक की
जब भी बुलाए तब आना और जब कहे तब चले जाना। दूसरा, जो काम बताए वो करके देना। और तीसरा, जो कुछ वो पुरुष उस स्त्री को दे वो उसको स्वीकार करना होगा, अभक्ष मांगना नहीं होगा और अभक्ष देगा नहीं। और उसके साथ सोना तो सोना है ही। और ये ज्ञान तो उस दर्शन के बाद का था। बहुत समय हो गया। उसके बाद उसका काम धंधा लगा, बात आई गई हो गई और काम धंधा टूटा, फिर से काम धंधा लगा, फिर से बात आई गई हुई और उस दौरान उसका प्रवेश तंत्र में हो गया। देवी की कृपा भी हो गई। एक बार वो सोच रहा था कि अब तो मुझे ज्ञात हो गया है। वो चीज़ क्या थी? तो किसी जानकार से उसने फिर से पूछा कि भाई ये फायदा कारक थी या नहीं थी। तो उसने बता दिया, अरे भाई तुमने नहीं लिया, वो फायदा था। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी का अनुभव देखा तो नहीं लेने में नुकसान तो गया था। फिर ये सोच के उसने फिर से उसको बुलाने के लिए सोचा और वो तो नहीं आई। लेकिन उसके बाद इतना नुकसान हुआ तो वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उसको कि इस इतर योनि की स्त्री के साथ पत्नी उसको बनाना ठीक था, उसको नहीं बनाना ठीक था, उसको तल छोड़ना ठीक था, फिर से बुलाना ठीक था, क्या ठीक था और क्या नहीं ठीक था। और ये जब हम देखते हैं तो वो उसकी कोई पूजा से या उसकी कोई तंत्र से वो नहीं आई थी, वो स्त्री के साथ आई थी। और वो स्त्री आने के बाद उसके घर में इतना उठा पटक हुई, वो स्त्री भी बीमार रही और उस पुरुष को चाहे कोई भी कारण हो, कभी भी स्त्री का सुख नहीं मिला। ये जब हम इतर योनि की साधना करते हैं, ये उदाहरण जो है समझने वाला है कि भाई पहले समझ लो, तुम तंत्र के क्षेत्र में घुस रहे हो और तंत्र में ये इतर योनिया और अन्य योनियों की आयु हम मनुष्यों से ज़्यादा होती है और हम मनुष्य का शरीर इतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं शब्द साचा और पिंड कांचा। तो संभल के रहो और इस कहानी से बोध लो और ज़्यादा उठा पटाख मत करो। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो उसके लिए इतनी लालसा मत करो, क्योंकि ज़िंदगी अपने तरीके से सही तरीके से जीने में भी फ़ायदा है। और तुम जितना समय इतर योनि की साधना में निकालोगे और उनकी भोग में निकालोगे, उनके लिए प्रयत्न करोगे, तो वो तुम जो चाहते हो सुख, वो पेड़ सुख लेने में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जिनकी अपनी है, निर्णय अपना है। एक बात बताना तो भूल ही गया, जब वो सुंदर दिखे तब उसको अगरबत्ती करनी है, धूप दिखाना है और उसी में वचन लेना है। तो फिर उसको बुलाना और छोड़ने का ये जो माध्यम बनेगा अगरबत्ती और वचन, और उस ब्याहता की बात करें तो उसका शरीर जो है कई सालों तक बास मारता रहा और बहुत प्रयत्न के बाद और सात्विक वातावरण मिला
और गुरु लोगों की कृपा हुई तो फिर उसका बास वो चली गई। और कई सालों बाद उसने उस औरत ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली किताब पढ़ के, और फिर से उसकी जो मल मार्ग होता है वो उसमें परेशान हो गई। तो मेरा तो ये मानना है कि गुरु की साधना करो, सात्विक रहो और इन इतर योनि के चक्कर में मत पड़ो। और हाँ, वो सुंदरी के साथ एक और औरत भी चलती है और उसका भी, उसी को भी तुम सेवा में ले सकते हो। ये बहुत कुछ ज्ञान जो है इंटरनेट पे भी मिल जाता है। जब मैंने एक लड़की का वीडियो देखा कि फेरल दरबार, तब मुझे ये कहानी याद आ गई। ऐसे ही होता है, ये कहानी कहानी होती है, सच भी होती है और सच नहीं भी होती है, और सच होते हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो शिव के शासन में रहिए। शिव शासनाथ, शिव शासनाथ।